ओहो यार, फाइनल स्कोर आ गया मेरा। अब सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा था। देखो ये जो हाथ में मेरे घड़ी मैंने पहन रखी है, ये है फायरबोल्ट की नई आर्टिलरी। और स्मार्ट वॉच में दे रखे हैं कुछ ऐसे अमेजिंग मोशन सेंसिंग वाले गेम जिसको मैं अभी खेल रहा था। अच्छा वैसे ये आपके फोन वगैरह में चल जाएंगे, जैसे मैंने इसको फोन से एक्चुअली टीवी कनेक्ट कर रखी है। अगर आपके अभी सैमसंग का फोन है जो टीवी से कनेक्ट हो जाता है तो आप टीवी पे कनेक्ट कर खेल सकते हो। बाकी आपके फोन पे भी आप ऐसे गेम को एंजॉय कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे मोशन सेंसिंग वाले गेम दे रखे हैं जो कि यहाँ पर हैं। तो इस वॉच के बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले आज हम करने वाले हैं आई टीम के साथ कुछ खेल। अब उनको खिलाते हैं ये गेम और देखते हैं कि कौन ये गेम जीतता है, और जीतने वाले को हम ये घड़ी गिफ्ट करने वाले हैं। चलो ओके, तेरा लास्ट है, थोड़ी अत्यंत नहीं हो पाएगा। हमारा आदि भैया खेलेंगे गेम, तो आदि रेडी हो चुका है और आदि को गेम खिलाते हैं। सो वी कैन स्कोर 18 पॉइंट। अब आदि भैया कितने पॉइंट्स स्कोर करना है? आदि देखो ज्यादा स्कोर करना है, 18 पॉइंट्स स्कोर करे थे इसने। तो मैं दो लोगों ने गेम खेला, सुविक्की और आदि ने, और अब इन्होंने जो स्कोर किया है, आदि का 57 है, सुविक्की ने 18 स्कोर किया था। अब हर्ष खेल रहा है, देखते हर्ष कितना स्कोर करता है। ये चीटिंग है, ये कुछ सीख गया, ये चीटिंग। फिर भी साला बहुत आगे चल रहा है अभी। ओहो यहाँ पर आदि का स्कोर बीट हो गया है। ये चाइनीज टेक्निक सीख क्या है ये? सिद्धार्थ इसको कह रहे 66 पॉइंट, और यहाँ पर हर्ष भी पीछे रह गया है। अंकित बता दो करना क्या। ये वॉच पहननी है फायरबोल्ट की, और 10 सेकंड बचे, लास्ट 10 सेकंड, बीट करना है, बस बीट करना है। ओ नहीं, और ये वॉच निकाल के अब सिद्धार्थ को पहनाना पड़ेगी भैया। जो मोशन सेंसर वाले गेम्स हैं वो अपने फोन पर एंजॉय कर सकते हो, बट अगर टीवी से कनेक्ट करके आप देखोगे तो आपको बहुत सारे गेम्स यहाँ दे रखे, जैसे कि सुपर बॉक्सर है, यहाँ पर आपको टेबल टेनिस देखने को मिलेगा, ग्रैंड मास्टर मिलेगा, प्लस यहाँ पर आपको जो है एक्सरसाइज करने वाली चीजें भी दे रखी हैं। तो घर पे जैसे मॉम है जिनको वर्क बाहर जाना पसंद नहीं है, तो आप उनको ये वॉच दे सकते हो और उनसे आप एक फिटनेस वाले वर्कआउट्स वगैरह करा सकते हो। तो यहाँ पे वर्कआउट वाले गेम्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं जो कि आप घर में कर सकते हो, तो ये भी काफी एसेंशियल चीज हो जाती है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर इस वॉच में आपको मिल जाता है, और भी इसके खास फीचर्स दे रखे हैं, तो फटाफट इसके बारे में डिस्कस करें। अभी जो डिवाइस है इस वॉच में, आपको काफी अमेजिंग रगेड डिजाइन देखने को मिलता है, बिल्ड बहुत सॉलिड बना रखी है इन्होंने, और जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट मुझे लगा कि इसका जो डिजाइन है वो काफी अच्छा लग रहा है। मतलब इससे पहले भी फायरबोल्ट ने रगेड वॉचेस जो है उन्होंने लॉन्च करी है, बट वॉच इसके डिजाइन में उतना इम्पैक्ट मुझे पसंद नहीं लगा नहीं था, बट ये वॉच डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव लग रही है। और सबसे पहले यहाँ पे बात करें, ऊपर टॉप आपको डायल देखने को मिलेगा, मेटल रिंग प्रोवाइड कर रखी है, साइड में एक यहाँ पर गोल्डन टिंट आपको देखने को मिलेगा जो कि अच्छा लुक इसका बनाता है, और साइड में आपको दो बटन दे रखे। आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे चार आपको चीजें दे रखी हैं, जैसे कि मेन, होम, स्पोर्ट्स और साउंड, बट दो ही फिजिकल बटन आपको देखने को मिलेंगे, एक आपका जो है मेन्यू के लिए दे रखा है, और नीचे वाला जो बटन है वो आपका डायरेक्ट यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मोड है उसमें स्विच करने के लिए आपको दे रखा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो बेल्ट है ये आपको रगेड डिजाइन में देखने को मिलते हैं, लुक एंड फील काफी अच्छा है, और थोड़ा सा टेक्सचर जो है रबराइज्ड आपको कहीं ना कहीं फील होता है ये, और रिमूवेबल है। अगर आपको लग रहा है कि आपको चेंज करना है, निकालना है बाहर मार्केट से, आपको दूसरे लगाना है तो निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पिन वाला ही ऑप्शन उन्होंने दे रखा है यहाँ पे। बाकी जो बैक है वो आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल जैसा आता है, तो नो डाउट जो लुक एंड डिजाइन है वॉच का डेफिनेटली काफी आई कैचिंग है, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अब मेजर बात आती है वॉच में, देखो हार्डवेयर को लेकर, अब डिस्प्ले एक मेजर पार्ट है, तो यहाँ मैं आपको यूज कर रखा है 1.5 इंच का डिस्प्ले, नॉर्मल पैनल है, आईपीएस पैनल यूज कर रखा है, बट थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी वाला है, मतलब एमोलेड के टक्कर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। और रीजन ये भी है कि इसमें जो पिक्सल रिजोल्यूशन उन्होंने यूज कर रखे हैं वो थोड़े से बेहतर है, 400x400 पिक्सल रिजोल्यूशन का डिस्प्ले है, जिसके चलते आपको जो क्लैरिटी है, जो उसके क्रिस्पनेस है वो ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो इंप्रेस करेगी। और ब्राइटनेस की भी अगर मैं बात करूँ, आप आउटडोर में भी जा रहे हो, एक्सट्रीम सनलाइट वाले सिनेरियो में भी यूज करोगे, तो ऐसे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, इसकी ब्राइटनेस मोर देन इनफ है, तो कहीं ना कहीं इसका डिस्प्ले आपको काफी सही लगने वाला है। और बेजल जो इनसाइड की है डिस्प्ले की वो काफी कम है, तो वो और ज्यादा कहीं ना कहीं इसको अट्रैक्टिव बनाता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि रगेड डिजाइन वाली स्मार्ट वॉच है, मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड के मामले में थोड़ी सी बेहतर कहीं ना कहीं मिलेगी आपको नॉर्मल वॉच से कंपेयर में,
तो यहाँ पर आपको वाटर रेटिंग भी उस हिसाब की चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं और बारिश वगैरह वाला सिनेरियो हो गया, या फिर कहीं आप पूल वगैरह में जा रहे हो, तो ये वॉच IP68 रेटिंग के साथ में आती है। तो डेफिनेटली आप ये चीज़ें कर सकते हो। स्विमिंग पूल में ये 1.5 मीटर तक, आधे घंटे तक सर्वाइव कर जाएगी, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब रही बात यहाँ पर सेंसर को लेकर, तो सेंसर आपको सारे वही मिल जाएंगे, आपका SPO2, HR और एक्सीमीटर सेंसर। तो 3 key sensor हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं, प्लस जो मोशन सेंसर आपका होता है जो आपकी सारी मोशन एक्टिविटी डिटेक्ट करता है, वो भी यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। अब कमिंग टू द मेजर पार्ट, जो कि UI, क्योंकि UI से इंटरेक्शन अगर अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं ना वॉच का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। अब वॉच में जो UI है बढ़िया दे रखी है, मुझे पर्सनली बहुत सही लगी। अगर आप टॉक सबक करोगे तो आपको यहाँ पे टॉगल्स देखने को मिलेंगे, एक प्रॉपर पेज दे रखा है। अब यहाँ पे 6 ऑप्शन दे रखे हैं, स्लाइड करोगे तो आपको 6 और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि NFC हो गया, SOS हो गया, तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। वहीं नीचे से करने पे आपको मिल जाता है इसका नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन, जो भी SMS वगैरह आते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती है आप वो रीड कर सकते हैं। अदर साइड से करने पे आपका मेन्यू है, जो भी आपकी रीडिंग्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हो, ऐड भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और इस साइड से करने पे आपको टॉगल होगा ओपन साइड बार, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली, जो भी आपकी रिसेंट एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो आप यहाँ पे बेसिकली जो है देख सकते हो। और स्टैंडर्डाइज पे तो जो वॉच फेसेस वगैरह दे रखे हैं वो आप यहाँ पे जो है स्विच वगैरह या चेंज वगैरह कर सकते हो। और बेहतर बात मुझे लगा कि इन्होंने यहाँ पर लॉक करने का ऑप्शन भी दे रखा है, तो आप वॉच फेस को लॉक भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई UI के बारे में बात, स्मूथ है। तो एज सच UI में आपको दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा स्लटर जरूर सा है, मतलब अगर आप हल्का सा यूज़ करेंगे तो स्लटरिंग जरूर से आपको फील हो सकती है, बाकी इन ओवरऑल वे परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। अब यहाँ पर ना जो सबसे खास इस वॉच को बनाता है वो है इसके अल्टीमेट फीचर्स। कुछ ऐसे एसेंशियल फीचर्स प्रोवाइड कर रखे हैं जो आपको दूसरी वॉच में अभी तक आपने शायद वो एक्सपीरियंस नहीं कर रखे होंगे। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है PayPal, यानी कि पेमेंट का ऑप्शन। PayPal के थ्रू आप इस वॉच से पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो, तो ये एक बहुत एसेंशियल चीज़ कहीं ना कहीं हो जाती है। साथ इसमें आपको मिल जाता है NFC डोर लॉक ओपन करने वाला सिस्टम। अब यूजुअली क्या होता है, हम लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं और वहाँ पे ऐसा वो जो मॉडर्न वाले आजकल फिंगरप्रिंट वाले ऐसे लॉक सिस्टम आने लग गए हैं, प्लस वो NFC वाले लॉक सिस्टम आते हैं, तो आप बस अपनी वॉच को टैप करके आप सीधे जो है एक्सेस ले सकते हो, तो वो चीज़ भी आपको इसमें मिल जाती है। प्लस अपने QR कोड्स वगैरह ऐड कर सकते हो, ताकि अगर किसी से पेमेंट करवाना हो या किसी को अपनी इंस्टाग्राम ID शेयर कर रही हो तो आप सीधे वॉच पे QR कोड दिखा के वो चीज़ करवा सकते हो। अब आइए, वॉच में गेम्स भी बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, बट गेम इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन से, वहाँ से आपको एप्लीकेशन से यहाँ पे जो गेम दे रखे हैं ऐप पे वो आप डायरेक्ट अपनी वॉच में डाल सकते हो। और जैसे कि मोशन गेम्स की बात करी थी हमने स्टार्टिंग में, वो तो आपको कनेक्ट करके खेलना पड़ेगा, वो आपको ऐप पे ही खेलना पड़ेगा। अब रही बात यहाँ पे दूसरे फीचर्स को लेकर, जैसे कि हेल्थ पर्सपेक्टिव की हम लोग बात कर ले, तो यहाँ पे हेल्थ के साथ साथ आपको मोशन ट्रैकिंग देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड कर रखे हैं, तो अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो आप इस वॉच को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हो, और आपको हर एक चीज़ डिटेल में मालूम पड़ती है, आपने कितने टाइम में कितनी कैलोरीज बर्न करें, कितना इफेक्टिवली आपने परफॉर्म किया है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत काम आता है। अब वही बात रही HR को लेके, SPO2 को लेके, तो सेंसर दे रखे हैं एक्टिविटी में, कहीं ना कहीं आपको क्लोज टू क्लोज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, तो ऐसा वहाँ दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है। बट मेरा पर्सनल सजेशन रहता है ना हमेशा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वॉचेस जो हैं सिर्फ आपको एक टेंटेटिव आइडिया देने के लिए होती है, अगर आपकी हेल्थ को कंसर्न है, कुछ ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो प्लीज़ आप मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स यूज़ करो, वो आपको बेहतर डाटा प्रोवाइड करते हैं। अब रही बात यहाँ पे जैसे स्लीप मॉनिटरिंग को लेके, तो वो भी आपको मिल जाएगा, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग भी मिल जाती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह यहाँ पे फीमेल ट्रैक कर सकती हैं, तो अगर वो भी खरीद लें तो उनको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब इन्होंने वैसे ECG वगैरह वाली चीज़ भी दे रखी, जो कि सो कॉल्ड गिमिक होता है, उतना यहाँ पर एग्जैक्ट वर्क नहीं करता, क्योंकि सेंसर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेंसर नहीं होंगे तो वो कैसे वर्क करेगा, तो दे रखा है इन्होंने टेक्निकली, बट वो परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं है। अब बाकी आपका जैसे अलार्म हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, टाइमर हो गया, वर्ल्ड क्लॉक वाली चीज़ भी प्रोवाइड कर रखी है इन्होंने, इवन आपको कैलकुलेटर भी देखने को मिल रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आपको कुछ आपको कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी तो वो आप यहाँ पे कैलकुलेटर पे देख सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको GPS से पेडोमीटर हिस्ट्री रिकॉर्ड देखने को मिल रहा था, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये होता है ऐप के थ्रू, बिल्ट इन GPS के साथ में नहीं आती है वॉच, बट हाँ आप अपने वॉच पे मैपिंग देख सकते हो कि आपने किस तरीके से वर्कआउट किया है, किस तरीके से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। बाकी अगर कैमरा कंट्रोल है, म्यूजिक कंट्रोल है, जो बेसिक फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग में चलते हैं हम लोग यहाँ पर, तो सेटिंग में आपको थोड़ी बहुत और चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो कि खास तौर पे डिस्प्ले से रिलेटेड कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाती हैं आपको। तो यहाँ पे सेटिंग में आप चलेंगे तो स्क्रीन टाइमिंग को आ जाती है, डिम करना हो तो वो, यानी कि बैटरीज कंट्रोल करना है, लैंग्वेज का सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो अगर आप लैंग्वेज सपोर्ट की बात करते हैं तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर, जो भी आपको प्रेफरेबल लैंग्वेज लग रही है आप उसमें इसको चेंज कर सकते हैं। वॉच को लॉक करने का ऑप्शन आपको दे रखा है, तो इन केस आपकी जो नोटिफिकेशन वगैरह वो कोई रीड नहीं कर सकता, ये कहीं ना कहीं प्राइवेसी के से एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है, क्योंकि तो वॉच हमने कभी उतार के रखी है और हम लोग नहाने चले गए या कहीं गए हैं तो कोई भी वॉच पे आपकी नोटिफिकेशन वगैरह रीड कर सकता है, बट लॉक लगा होगा तो वो नहीं कर पाएगा, तो वो चीज़ आपको हमें मिल जाती है। इवन आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जो स्टाइल आप चाहते हैं, थोड़ा सा मेन्यू का डिजाइन चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इवन आपको यहाँ पर डिफरेंट मोड्स प्रोवाइड कर रखे हैं, जैसे कि बैक साइड लैंप वाला मोड है, पावर सेविंग मोड है, और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे सेटिंग में, जो कहीं ना कहीं काम आते हैं। बट दो यहाँ पर एक जो बहुत खास फीचर मुझे लगे, तो वाटर ड्रेन की हम लोग बात करते हैं। अब वाटर ड्रेन की हम
लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आपकी वॉच जैसे पानी में आप ले गए हो और आपको लग रहा है कि आपके स्पीकर में आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर, तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से जो वाटर ड्रेन कर सकते हो। ये कुछ इस तरह की वाइब्रेशन करता है, कुछ इस तरह की आवाज करेगा जिससे आपका जो वाटर है यहाँ पे स्पीकर ग्रिल में से सारा पानी जो है बाहर आ जाता है। और सेकंड यहाँ आपको मिल जाती है ब्लूटूथ कॉलिंग वाली फंक्शनलिटी। अब ब्लूटूथ कॉलिंग वाली फंक्शनलिटी की बात करें तो वही तीन चीजें मिलती है, फेवरेट कॉन्टेक्ट, डायल पैड और कॉल हिस्ट्री। बट परफॉर्मेंस कैसी माइक्रोफोन की तो अपन टेस्ट करके देख लेते हैं। वैसे भी जो आवाज सुन रहे हैं वो आ रही है इस वॉच के माइक्रोफोन से, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये वॉच देगी जब भी आप इसको कॉलिंग के टाइम पे यूज करने वाले। अब एप्लीकेशन और वॉच फेसेस को लेकर बात करूंगा मैं यहाँ पर, बट वॉच फेसेस हम लोगों ने यूजुअली देखेंगे तो किसी एक सिंगल वॉच पे हम लोग लगा पाते हैं, बट इस वॉच में आप एल्बम लगा सकते हो, कुछ 5-6 फोटो अपने सिलेक्ट करके आप लगा सकते हो, प्लस वीडियो वाले भी आप जो है यहाँ पर एल्बम लगा सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको एक अमेजिंग सी चीज देखने को मिलेगी जो ये करना पड़ेगा इनकी एप्लीकेशन के थ्रू। अभी जो एप्लीकेशन ये फायरबोल्ट डेडिकेटेड एप्लीकेशन उन्होंने बना रखी है, फ्रंट पेज पर सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाती है। इसके जो मेन पेज पर आप आओगे तो मेन पेज पर आपको मिल जाएंगे वॉच फेस का सेक्शन, जहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाले वॉच फेसेस अवेलेबल कर रखे हैं। डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हो, लगाना है खुद के तो वो भी लगा सकते हो, एल्बम बनानी तो एल्बम भी बना सकते हो, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी आपके रिमाइंडर्स हो गए, अलर्ट्स हो गए, फेवरेट कॉन्टेक्ट्स वगैरह हो गए, नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करनी, तो वो सारी सेटिंग्स जो है आप एप्लीकेशन से कर सकते हो। अब आ जाता हूं मैं यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन को लेकर, क्योंकि प्राइसिंग जो रखी है इसकी लॉन्च वाली वो रखी है मात्र 2500 रुपए। अब 2500 रुपए के प्राइस पे डेफिनेटली मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा अगर आप एक रगेड वॉच चाहते हो। इसका ना ही केवल लुक अच्छा है बट एक फीचर वाइज भी काफी अच्छी वॉच है, तो ये वॉच के लिए आप डेफिनेटली जा सकते हो। और इनिशियल अगर 2500 रुपए के ऑफरिंग में मिल रही है तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर फ्यूचर में प्राइसिंग बढ़ती है तो मैं कहूंगा कि आप और भी दूसरी वॉचेस के लिए जा सकते हो, बट अभी इनिशियल प्राइसिंग इसकी 2500 है, तो अभी जाके फटाफट सब चेकआउट कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर कोई भी सवाल है इस वॉच से रिलेटेड या फीचर से रिलेटेड तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी भाई के लिए वीडियो को लाइक जोर से कर देना, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट करके जाना। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोर के साथ।